प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंगलवार से गर्भगृह में शुरू होगा पूजन। 18 जनवरी को स्थापना की जगह जाएंगे रामलला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी, सभी तैयारियां पूरी हो गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को 12:20 पर होगी शुरू। अयोध्या के राम मंदिर में गर्भगृह के द्वार समेत लगे 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से सामने आई तस्वीरें। कृष्णशिला पर निर्मित रामलला की मूर्ति का गर्भगृह के लिए हुआ चयन, कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है मूर्ति। 5 साल के बालक के रूप में है प्रतिमा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने दी जानकारी। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर उज्जैन से भेजे जाएंगे 5 लाख लड्डू, सीएम मोहन यादव ने किया निरीक्षण, रामलला के लिए बांधे लड्डू। मथुरा से प्रभु श्री राम के लिए अयोध्या भेजे गए लड्डू, शोभा यात्रा के दौरान लगाए जय श्री राम के जयकारे। चंडीगढ़ में तैयार अयोध्या राम मंदिर की रेप्लिका, भव्य पंडाल में 3 दिवसीय रामकथा और भजन संध्या का होगा आयोजन। कुल्लू के आराध्य भगवान रघुनाथ जी को आया प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, मंदिर में उत्सव का माहौल, रामलला को भेजे जाएंगे कई तरह के आभूषण। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भजन कीर्तन भक्ति में सराबोर देखे श्रद्धालु। महेंद्र सिंह धोनी को मिला राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का निमंत्रण, धोनी ने जताया आभार। वाराणसी से 55 वैदिक शास्त्रियों का जत्था अयोध्या के लिए रवाना, 16 से 22 जनवरी तक कराएंगे पूजन, यज्ञ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। दिल्ली के वसंत कुंज में नर्मदा सोसाइटी में प्राण प्रतिष्ठा से पहले भंडारे की शुरुआत, 22 जनवरी तक श्रद्धालुओं को खिलाया जाएगा भोजन। दिल्ली के ऑटो पर राम भक्तों को जानकारी देने के लिए चस्पा की गई जानकारी, ऑटो पर लहरा रहे रामध्वज, लोगों में बेहद उत्साह। प्राण प्रतिष्ठा के दिन वसंत कुंज में स्वामी विवेकानंद पार्क का होगा उद्घाटन, अनुष्ठान के लिए पार्क में बनाया जा रहा विशाल हवन कुंड। ग्रेटर नोएडा के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की रौनक, श्रद्धालुओं में दिख रहा रामलला के आने की उमंग। ग्रेटर नोएडा के सोसाइटी में पूजित अक्षत वितरण कार्यक्रम ने पकड़ा जोर, डोर टू डोर लोगों को अखंड रामायण पाठ में आने का दिया जा रहा न्योता। श्रद्धालुओं से गुलजार हुए सरयू किनारे लगे फास्ट फूड की दुकानें, श्रद्धालु चाय समोसे के साथ फास्ट फूड का उठा रहे आनंद। फिरोजाबाद से अयोध्या भेजी जाएंगी 10,000 चूड़ियां, राम सीता वाली चूड़ियों की बाजार में काफी डिमांड। भदोही में राम मंदिर के लिए ग्रामीणों ने लिया था बड़ा संकल्प, 30 सालों से मंदिर में नहीं स्थापित की राम की प्रतिमा, अब स्थापना कर मनाएंगे उत्सव। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बढ़ाई गई शहर की सुरक्षा, पुलिस अफसरों के साथ आईजी ने किया निरीक्षण। मुंबई में कार सेवकों ने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले किया हवन, कार्यक्रम के सफल होने की कामना की। अयोध्या के सूर्यवंशी क्षत्रियों की पूरी हुई प्रतिज्ञा, राम मंदिर बनने तक पगड़ी नहीं पहनने की खाई थी कसम, अब फिर से पहनी पगड़ी, बोले सूर्यवंशियों का संकल्प हुआ पूरा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मेरठ में निकाली गई जन जागरण रथ यात्रा, राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर कार सेवक सुनभराला हुए शामिल। अमेरिका के सिएटल में राम भक्ति में डूबे भारतीय समुदाय के लोग, अयोध्या से अमेरिका तक पहुंचे निमंत्रण, भजन कीर्तन के साथ की श्री राम की आराधना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का रांची में भव्य जश्न, बर्तन बनाने वालों को मिल रहा बम्पर ऑर्डर। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले चंडीगढ़ में निकाली गई कलश यात्रा, बड़ी संख्या में सिर पर कलश लेकर शामिल हुई महिलाएं। हरिद्वार से शुरू हुई संतों की जल कलश यात्रा, हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर चल रहे संत, अयोध्या में होगा यात्रा का समापन। संतों की गंगा जल कलश यात्रा पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, जगह जगह हुआ कलश यात्रा का स्वागत। देवरिया के ऋषि कुमार रानू की अनोखी पहल, गांव गांव जाकर गा रहे राम भजन, प्राण प्रतिष्ठा के लिए गा रहे अवध में राम आए हैं। फतेहपुर के तेंदुली में है अनोखा मंदिर, सर्वे के दौरान हुआ खुलासा, राम मंदिर की ईंट से मिलती जुलती ईंटों से बनाए मंदिर।
मकर संक्रांति पर अमित शाह की पतंगबाजी, सोशल मीडिया पर वीडियो के साथ किया दावा, कोई नहीं मोदी जी की टक्कर में। अमित शाह के नारे के बाद एक पेंटिंग के जरिए बोले जेपी नड्डा, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मकर संक्रांति भोज के दौरान लालू तीज के बीच दिखी दूरी पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बयान, लालू यादव के आशीर्वाद से ही नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगी महिला नर्सिंग सर्विसेज अधिकारियों की टुकड़ी, परेड में तीनों सेनाओं में से कुल 144 महिला अधिकारी, सैनिक और अग्निवीर सैनिक भी लेंगे हिस्सा। मकर संक्रांति के मौके पर रोशनी से जगमग कपिल मुनि आश्रम, भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। अयोध्या में रामलला के द्वार पर पहुंची कांग्रेस, सरयू में अजय राय, अविनाश पांडे, दीपेंद्र हुड्डा, अखिलेश प्रताप सिंह ने किया स्नान, कहा भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक। हरियाणा में 22 जनवरी को रहेगी छुट्टी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते सरकार का फैसला। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची खुजामा, मणिपुर में यात्रा के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना, जवाब में बीजेपी ने यात्रा को बताया ड्रामा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उठाए सवाल, कहा पंचक के दौरान अच्छे काम नहीं शुरू किए जाते। जन्मदिन के मौके पर यूपी की पूर्व सीएम मायावती का बड़ा ऐलान, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा 2024 में अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। मायावती ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी गरीबों को राशन देकर गुलाम बनाए रखना चाहती है, बीजेपी हमारी योजना की नकल कर रही है। अखिलेश पर मायावती ने किया वार, कहा अखिलेश गिरगिट की तरह बदल रहे रंग। इंडिया गठबंधन पर बोली मायावती, कहा गठबंधन में सवर्णों का वोट बीएसपी का नहीं होता ट्रांसफर, दूसरी पार्टियों को मिलता है बीएसपी का फायदा। संन्यास लेने की बात पर बोली मायावती, कहा मैं संन्यास नहीं लेने जा रही, मैं अंतिम दम तक पार्टी के लिए करती रहूंगी काम। नीति आयोग की रिपोर्ट में देश के लिए गुड न्यूज, पिछले 9 साल में करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से आए बाहर, लोगों के जीवन स्तर में हुआ सुधार। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में सबसे पहले हो सकता है ऐलान, यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ 17 जनवरी को होगी बातचीत। उद्धव गुट ने विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, स्पीकर ने शिंदे समर्थक विधायकों को अयोग्य करार देने का कर दिया इनकार। पीएम जनधन योजना के 1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री की सौगात, आवास के लिए मिली पहली किश्त, वर्चुअली कार्यक्रम में पीएम का जनजाति समूहों से संवाद। डीप फेक के शिकार हुए सचिन तेंदुलकर, गेमिंग ऐप को प्रमोट करते नजर आया वीडियो, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान, जल्द ही आईटी एक्ट के तहत बनेंगे सख्त नियम। मथुरा में मकर संक्रांति के दिन देखने को मिला सर्दी का सितम, शहर में छाई घने कोहरे की चादर। फिरोजाबाद में मकर संक्रांति पर दिखा भारी कोहरा, तापमान 7 डिग्री से भी कम। राजस्थान के धौलपुर में मकर संक्रांति के दिन दिखी घने कोहरे की चादर, लगातार आई तापमान में गिरावट। रेवाड़ी में दिखा कोहरे का कहर, राहगीरों के लिए सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर मकर संक्रांति के मौके पर यमुना का हाल दिखा बदहाल, नजर आया झाग ही झाग। मुरादाबाद में घने कोहरे से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों पर पड़ा असर। चंदौली में दिखा सर्दी का सितम और कोहरे की मार, कुदरत के डबल अटैक से लोग बेहाल। झांसी में घने कोहरे के साथ शुरू हुई मकर संक्रांति की सुबह, तापमान में आई भारी गिरावट। गोरखपुर में अचानक गिरा पारा, भीषण ठंड से हुआ लोगों का हाल बेहाल। दिल्ली में ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी, नजफगढ़ इलाके में तापमान 4 डिग्री तक किया गया दर्ज। नाथ समुदाय के संत ओमनाथ महाराज पहुंचे फतेहपुर, बोले कार सेवकों में राम मंदिर बनने की सबसे ज्यादा खुशी। जमशेदपुर की दुमुहानी नदी के घाट पर बनारस से आए साधु संतों ने की आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। केरल में मकर संक्रांति की धूम, सबरीमाला मंदिर में मकर ज्योति के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। राजस्थान के करौली में दान पुण्य के साथ मना मकर संक्रांति का त्यौहार, जगह जगह हुआ भंडारे का आयोजन।
करौली में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहन चालकों को किया गया जागरूक, पुलिस ने की सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने की अपील।